हमारी पहली फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, अगर आप 25 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में जो है कद्दू की खेती कर देते हैं तो बुआई के 70 दिन बाद जो है हरा कद्दू मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर आपको हर एक कद्दू का मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलता है तो आप उसको 120 दिन तक रोक करके पका सकते हैं और उससे भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, कद्दू एक ऐसी फसल है बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाती है और एक बार उत्पादन शुरू हो गया तो आने वाले 100 से 150 दिन तक जो है इससे आप लगातार उत्पादन ले पाएंगे। अब इसके लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें, उसी किस्मों का चुनाव करें जिसका वजन तेजी से बढ़ता हो और आपके एरिया में वो किस्म जो है जानी मानी जाती हो, किसान भाई उसको लगाते हो। अब इसमें कौन सी फसल की इंटरक्रॉपिंग करें इसको हम आगे जानेंगे, तब तक चलिए हम दूसरी सब्जी के बारे में बात करते हैं। जो हमारी दूसरी फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, अगर आप 25 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में भिंडी की बुआई कर देते हैं तो बुआई के 40 से 45 दिन में जो है पहली तुड़ाई शुरू हो जाएगी। और किसान भाइयों, अगर आप राधिका भिंडी का चुनाव करते हैं तो आप देखेंगे कि पौधा जो है वो मजबूत और स्वस्थ भी रहेगा। ध्यान दीजिए, राधिका की खास बात यह है कि इसको पूरे साल भर लगाया जा सकता है। बाकी और भी किस्में हैं जो कि साल भर लगाई जाती हैं, आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं। या फिर अगर आप अगेती लगा रहे हैं तो आप राधिका का जो है चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में 10 से 15 हजार रुपए की लागत आएगी और इसके साथ में जो है आप अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। कौन कौन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं उसको हम आगे जानेंगे। अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, अगर आप 25 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में करेला की बुआई कर देते हैं, बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर जो है आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और एक बार उत्पादन शुरू हो गया तो आप 150 दिन तक लगातार उत्पादन ले पाएंगे। और करेला कैसी फसल, जितना ही जल्दी आपको अगर फरवरी मार्च में तैयार हो गया तो आप उतना ही अच्छा रेट यहाँ से ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें किन चीजों की सावधानी रखी जाती है। देखिए, अगर आप जो है कि खेती करने वाले हैं तब आपको मचान बनानी पड़ेगी। तो अगर आप करेला के साथ जो है किसान भाई कुछ फसलों की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगा सकते हैं उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है हरी मिर्च की खेती। जी हाँ, पूरे साल भर हरी मिर्च की डिमांड बनी रहती है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो। और रोपाई के 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है, आपको उसी मिर्च का चुनाव करना चाहिए। मिर्च मुख्यतः दो तरह की होती है, एक होती है डार्क ग्रीन, एक होती है लाइट ग्रीन। जिस मिर्च की आपके एरिया में अच्छी डिमांड हो आप उसी मिर्च का चुनाव कर सकते हैं। इसमें हमारी अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, अगर आप 25 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में फूल गोभी की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के 60 से 65 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। और उस समय फरवरी मार्च का महीना होगा तो आपको जबरदस्त फूल गोभी का जो रेट है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भी इस समय जो है आप कुंदरू लगा सकते हैं। जी हाँ, इस समय आप कुंदरू लगा सकते हैं। कुंदरू जो है किसान भी 25 दिसंबर के पहले पहले लगा सकते हैं, मार्च अप्रैल में उत्पादन शुरू हो जाएगा, पूरा नवंबर दिसंबर तक आपको उत्पादन मिलेगा। यानी एक बार लगा करके 4 से 5 साल तक कमा सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आपको कुंदरू की जड़ खरीदनी, उसकी कटिंग खरीदनी है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, आपके घर तक जो है डिलीवरी की जाएगी। पूरे भारत में जो है ये कटिंग उपलब्ध है। अभी तक हमने बात की कि कौन कौन सी फसलें लगाएं और अब हम बात करते हैं उनमें कौन सी इंटरक्रॉपिंग करें जिसमें कि कम लागत में हम काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है किसान भाइयों, हमारे खेत में आप देख रहे हैं यहाँ पे आलू लगा हुआ है, तो हम आलू की फसल में कौन कौन सी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आलू की फसल आपने भी लगा रखी है तो उसमें किसान भाई आप धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, कुंदरू लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, इन तरह की जो फसलें हैं, क्योंकि आलू 60 से 70 दिन में तैयार होती है और ये जो मैं फसलें बता रहा हूँ अधिकतम 40 से 45 दिन की होती हैं। इसमें किसान भैया आपको सिर्फ बीज बीज का खर्चा एक्स्ट्रा लगने वाला है, निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, सिंचाई एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी, सेम उसी में तैयार हो जाएगी।